अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आज मैं डालिया प्लांट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी और थोड़ी सी इसकी कटिंग भी हमें करनी है और क्यों करनी है वो भी बताऊंगी। तो ये देखें, वैसे तो मैंने जान के डालिया प्लांट्स के क्या आप काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जिनके आज मैंने काफ़ी आपको नज़र आया होगा। जब पहले मैंने आपको ये अपना पौधा दिखाया था तो मेरे इसके पत्ते बहुत सारे थे इस पर लगे हुए। मैंने जान के इसके जो है ना पत्ते जगह जगह से हटा दिए हैं ताकि नई खोपले फूटें, ये जैसे ही आप देख रहे हैं ना इस तरह की। और ये इतना नाजुक प्लांट है, मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसको लेकर मिली है ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा लाऊं तो मुझे आसानी रहे इसकी केयर करने में। तो मैंने इसके काफ़ी सारे पत्ते इसलिए नोचे ताकि नई नई ब्रांचेज इसमें निकलें। और वो तो खैर बहुत तेज़ी से आ रही है माशाल्लाह से, लेकिन दोस्तों एक चीज़ इसमें ये हुई कि अब इसका जो कभी भी कुछ बर्ड्स बाकी हैं, ये देखिए इसमें खिलना जो है, जो पहले की चीज थी 5-6 फूल वो तो खिल चुके हैं जो खिलने वाले थे और मैंने आपको दिखाया था। अब इसमें जो है एक ये वाला जो फूल खिला हुआ है ये देखें, इसके अंदर एक कीड़ा लग गया है ये देख। और अब हमें ये फूल काटना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने ये नहीं काटा तो हमारा पूरा प्लांट ये पौधे जो है ना ख़राब कर देंगे और दूसरे पौधों पर भी हमारे ये कीड़े हमला कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये इतनी नाजुक टहनियाँ होती हैं, आप ये ना समझे मेरे मुझसे एक टहनी तो वैसे टूटी, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी ये चीज़। मैं सफाई के दौरान जो है अपने गमला के पीछे कर रही थी तो ये इतनी नाजुक टहनियाँ हैं कि आपको बड़ी एहतियात से इनको आगे पीछे करना पड़ेगा। ये देखिए एक टहनी मुझसे ऐसी टूटी यहाँ से, ये आगे बढ़ने वाली टहनी थी इस पर फूल आ रहा था, और कल एक टहनी मुझसे यहाँ से टूट गई, ये भी बढ़ने वाली साइड थी। अब ये मैंने ज़मीन पे लगा दी कि हो सकता है, कहते हैं कि इसकी आप कटिंग लगा दें बढ़ती हुई साइड से तो ये फिर से उगना शुरू हो जाती है, लेकिन मुझे इसका कोई ख़ास रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैंने अभी लगा के छोड़ी भी है इसको, जो ये यहाँ से टूटी थी बढ़ती हुई साइड, ये मैंने लगा के इसको छोड़ा हुआ है कि अगर ये कहते हैं कि इसकी कटिंग लगा दो तो ये चल जाता है दोबारा से मरने लगता है, तो देखते हैं। अगर ये मर गया तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगी कि कटिंग जो मैंने ये ज़मीन में दबा दी थी ये चली है कि नहीं। लेकिन इसकी टहनियाँ बहुत नाजुक हैं, अगर आप इसको ज़रा सा भी पत्ता तोड़ने में या टहनियाँ तोड़ने में ज़ोर आजमाई करेंगे, जैसे पालक की डंडी होती है ना ये वो वाली, बहुत उसकी तरह ही नाजुक है। तो अभी मैं आपके सामने दोस्तों, क्योंकि इस पर कीड़ा लगा हुआ है फूल पे, जो ये 6ठा 7वां फूल खिला है इस डालिया का, तो इस पर जो है कीड़ा लगा हुआ है और मुझे फूल काटना है ताकि मेरे पूरे प्लांट को ख़राब ना करे। तो थोड़ी सी मैं इसका रिज़ल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट रहा है, इसकी थोड़ी सी मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ ये देखें, ताकि ये चलता है कि नहीं। ज़्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं कि ये चल जाता है, इसकी कटिंग आप बढ़ती हुई ज़मीन में लगाएं, जो मैंने सर्च किया है काफ़ी, बट देखते हैं कि चलता है कि नहीं। नहीं चला तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी क्या रिज़ल्ट। एक टहनी मुझसे यहाँ से भी इसकी टूटी जो मैंने बताया बढ़ती, बाकी ये वाली जो टहनी जो मैंने ज़मीन में दबाई हुई है यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा काट दिया है ताकि जो ये बढ़ने वाली जो कोपले आपको नज़र आ रही हैं उनको आसानी रहे बढ़ने। और दूसरा मुझे ये वाला फूल काटना है, तो इसको भी हम ये जो ज्वाइंट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये साइड नहीं काटेंगे, ये तो मैंने दूसरी इस चीज़ को बांधा हुआ है ताकि वो झुक रही थी दूसरे साइड पे, तो हमें ये जिस फूल पे कीड़ा लगा है हमारे इस चीज़ को हमने काटना है यहाँ से। चलो ये हमने देखे काट, ताकि हमारा ये जो फूल है इसके ज़रिए पूरा प्लांट जो है हमारा ख़राब ना हो, हमारे पूरे प्लांट पे जो है इंसेक्ट हमला ना करें, ठीक है। और भी मेरे कुछ प्लांट्स हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उनके बारे में भी आपको बताती रहूँगी दोस्तों। अब क्योंकि डालिया का प्लांट्स का जो सीज़न है वो जा रहा है, और जब इनकी सीज़न जैसे गेंदा है, जैसे ये डालिया का प्लांट्स, मुझे लग रहा है इसके और भी मुझे इस पर दवाई करनी पड़ेगी। हाँ मुझे इस पर दवाई करनी पड़ेगी, मुझे इसका कुछ जो है हालत ऐसी लग रही है।
दोस्तों क्योंकि इसका पीरियड जा रहा है, इसका सीजन भी जा रहा है, जब मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी, मैंने जितनी इसके आपको दिखाया था ना लास्ट टाइम मैंने कि कितना घना में लाई थी ये प्लांट, तो मैंने इसके सब की ट्रिमिंग कर दी। अब इसकी मुश्किल से 4-5 कलियाँ अभी हैं जो बाकी हैं, लेकिन मैंने इसकी जान के ट्रिमिंग की ताकि नई कोपले आए। और ये इतना नाजुक प्लांट, जैसे पालक की पत्तियाँ होती हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसा प्लांट है ये। और क्या मैं ज़रा सा भी इसको कहीं ज़बरदस्ती की घुसाने की गमले को या इसके प्लांट को, तो इसकी टहनियाँ फ़ौरन टूट जाती हैं और आपके हाथ में पड़ती भी। तो मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, ये कली इसके साथ थी तो ये मुझे काटनी पड़ गई, क्योंकि ये अलग नहीं हो सक मैं छोड़ सकती थी, तो इसलिए मैंने इसके साथ ही काट दी है ये। बाकी ये आप देख रहे हैं, इस पे जो है कीड़ा बीच में लग चुका है, और मैं इस कीड़े की वजह से अपना पूरा प्लान ख़राब नहीं करना चाह रही थी, तो जब भी मैंने काट दी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका मज़ीद रिज़ल्ट, ये आप देख रहे होंगे कोपले आ रही है माशाल्लाह, और ये वाली का रिज़ल्ट क्या होता है। तो इसका रिज़ल्ट जो भी होगा मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या इस प्लांट का बना, क्योंकि अब इसका भी सीज़न जा रहा है, गेंदे का सीज़न भी जा रहा है, तो मार्च तक प्रॉपरली इनका सीज़न चला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, जब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले।